पंडित जी, भगवान कृष्ण तो केवल हमारे मन में है और हमारे घरों के बाहर के मंदिर में है। पता नहीं वो युग क्या रहा होगा, लेकिन हमने सिर्फ सुना है कि उनकी बांसुरी को सुनकर गोपियां अपना घर बार द्वार बार सब छोड़ छाड़ करके आगे आ जाती थी उनके पीछे पीछे। लेकिन आज हमने एक अजूबा देखा कि गोपी ने बांसुरी उठा ली आपके साथ। यह केवल आप ही कर सकते थे पंडित जी। मैं तो आपको नमस्कार करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ इस पूरे अमेरिका देश की ओर से कि आप इस एक आश्चर्य को हमारे सामने लेकर के आए हैं। रिम्पा शिव और ये उसके लिए तो मैंने कहा कि गोपी ने बांसुरी उठा ली आपके लिए। पंडित जी, जहाँ हर कलाकार बड़े से बड़ा अपने साथ एक बहुत बड़े कलाकार को तबले और संगति के लिए रखना चाहता है, आप सचमुच हम लोगों की ओर से प्रणाम के हकदार हैं कि आपने एक छोटे बच्चों को ये बताया हमारे सामने ला करके कि भारत आपसे आपके आगे भी बहुत चलने वाला है और हम सबके साथ ये बच्चे चलने वाले हैं। जितनी पीढ़ियां आगे आएंगी, ये बिटिया उनको आगे लेकर के जाएंगी। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भवानी जी, श्यामला जी, सबको, हमारी रचना दीदी, रिम्पा को आशीर्वाद देना चाहती हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ। रचना जी, रिम्पा को हम पूरे श्रोताओं की ओर से, अपनी ओर से $301 का एक उपहार देना चाहती हैं आशीर्वाद के रूप में। बिटिया, उसे आशीर्वाद समझ करके ग्रहण करना है। हरी जी, आपके बारे में तो मैं क्या तारीफ करूं, क्योंकि अगर मैंने कुछ कहा तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से आप एक छोटी सी बच्चे और आप सबको यहाँ लाए, उसके लिए हम वैदिक हेरिटेज की तरफ से, गुरु माँ की तरफ से, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन टुडे शी स्टोल द शो, डू यू बिलीव इट? या आपका ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है कि देखिए $300 दिया लेकिन मुझे 10% उसने दिया। सब आपका ही है। नहीं, मैं लाया उसको इसलिए मुझे इसलिए समझ गई ना। नहीं नहीं, ये तो बड़े भाग्य की बात है कि हम लोग इस कामों में आके ये बच्चों को आशीर्वाद है। ऐसा होना चाहिए तो हमारे बच्चे और भी जो आने वाली पीढ़ियां बढ़ती जाएंगी और हमारे देश का नाम सारे संसार में करेंगे।